मेरी जान मेरे बच्चों में, मेरे साथ दुआ करिए कि जल्दी वो अपने काम से मेंटली थोड़ा फ्री हो जाए तो कुछ इधर भी ध्यान दे, जो हर एक बाप की इच्छा होती है। आखिर कब बनेंगी एकता कपूर दुल्हनिया? आखिर कब होगी एकता की शादी? ये सवाल परेशान कर रहा है एकता के पिता जीतेंद्र को, जिसका जिक्र करने से एक बार फिर खुद को नहीं रोक पाए जीतू जी। मेरी जान मेरे बच्चों में, बस उनकी खुशी में ही खुशी है आजकल, और कुछ है ही नहीं। अब बाकी तो पैकअप टाइम है। मेरे साथ दुआ करिए कि जल्दी वो अपने काम से मेंटली थोड़ा फ्री हो जाए तो कुछ इधर भी ध्यान दे, जो हर एक बाप की इच्छा होती है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जीतेंद्र कई बार अपने दोनों बच्चों एकता और तुषार को शादी के बंधन में बंधे देखने की अपनी इच्छा जाहिर करते आए हैं। तो जल्दी करा दो बस, अभी फटाफट। किसकी? दोनों की करा दो। दोनों हो जाए बीजी, हम भी मुकले हो जाए। अब जीतू जी की एक ख्वाहिश लाजमी भी है, क्योंकि 7 जून 1975 को पैदा हुई एकता कपूर इस साल 37 ईयर्स की होने जा रही है। लेकिन एकता तो जैसे अपने काम को ही अपना लाइफ पार्टनर मान चुकी हैं। तभी तो पहले टीवी सीरियल और अब रियलिस्टिक टच वाली क्रिएटिव स्टोरी लाइन्स पर फिल्में बनाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही एकता को। बीच में एक वक्त ऐसा भी था जब ये खबर आई थी कि एकता और करण जौहर शादी करने वाले हैं, लेकिन वो न्यूज भी अभी तक सच नहीं हुई। A recent rumor about you that you nearly believe. That we're getting married. हालांकि एकता और करण आज भी एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते। सुपर हिट पिक्चर है और ये सब बालाजी और एकता की वजह से है। और अब तो एकता और करण साथ मिलकर एक फिल्म भी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बट इवन आफ्टर ऑल दिस, नो वन नोज इफ करण एंड एकता आर रोमांटिकली इन्वॉल्वड। Darling, I'm seriously on the lookout. I mean, clearly I'm not finding. Not finding? Yeah. Well, that silence speaks a lot. वैसे व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज दैट रिसेंटली अपने काम से थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर एकता हैज स्टार्टेड वर्किंग आउट ऑन हर वेट इश्यूज एंड मस्ट से शी इज इंडीड लुकिंग प्रिटी इन द लास्ट फ्यू इवेंट्स। सो ऑल वी कैन होप इज अब काम से थोड़ा और टाइम निकाल कर एकता अपने पापा जीतेंद्र की विश को भी थोड़ी इम्पोर्टेंस दे दें एंड इवन वी गेट टू सी द सक्सेसफुल फिल्म मेकर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ सक्सेसफुल वाइफ इन नियर फ्यूचर। एंड इफ द ग्रूम हैपेंस टू बी करण जौहर, तो फिर तो मानो हो जाएगी बॉलीवुड में बल्ले बल्ले।